स्टूडेंट्स, मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 8 के पहले पाठ का अभ्यास करेंगे। तो हमारा पहला पाठ है पुत्री मम खलु निंद्राती। पुत्री मम खलु निंद्राती यानी मेरी पुत्री सचमुच सो रही है, बराबर। तो हमारा जो पाठ है तो उसका जो पहला जो हमारा टाइटल है उसका मतलब क्या होता है, मम यानी मेरी, पुत्री यानी पुत्री, बेटी, खलु यानी सचमुच, निंद्राती यानी सो रही है। तो स्टूडेंट्स, जब मैं ये पाठ समझाऊंगी तो मैं शब्दार्थ बोलती जाऊंगी, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है या तो ठीक से याद रखना है। चलो अब हम सबसे पहले पैराग्राफ में देखते हैं। पुत्री मम खलु निंद्राती, मम यानी मेरी, पुत्री यानी बेटी, खलु यानी सचमुच, निंद्राती यानी सो रही है। ये लाइन बार बार रिपीट होगी तो आप एक ही बार अर्थ लिख लोगे तो चलेगा। चलो, मम यानी मेरी, पुत्री यानी बेटी, खलु यानी सचमुच और निंद्राती यानी सो रही है। मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। मम पुत्री खलु निंद्राती, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। सुंदर शयने, सुंदर शयने का मतलब होगा अच्छे बिस्तर पे। सुखमय वसने यानी आरामदायक कपड़ों में, आरामदायक कपड़ों में पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। वापस एक बार, पुत्री मम खलु निंद्राती कि मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। सुंदर शयने यानी अच्छे बिस्तर पे। सुखमय वसने के आरामदायक कपड़ों में पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। चलो अभी दूसरा पैराग्राफ। चलो दूसरे पैराग्राफ में माता कौवे से कह रही है कि अरे ओ कौवा, बिना मतलब का कान को अच्छे न लगे ऐसा आवाज़ मत कर, क्योंकि तेरे आवाज़ से क्या होगा, मेरी बेटी की नींद टूट जाएगी। तो देखो, रेरे वायस, वायस यानी कौवा, कर्कश कंठ यानी कर्कश आवाज़, कर्ण कठोरम कान को अप्रिय लगे से, मारट आवाज़ मत कर। चलो सबसे पहले अर्थ लिखो। वायस का मतलब होगा कौवा, कर्कश कंठ यानी कर्कश आवाज़, कर्ण कठोरम कान को अप्रिय लगे ऐसी, मारट आवाज़ मत कर। श्रांता यानी थकी हुई, कलांता यानी मुरझाई हुई, और पुनर्नुनिता फिर से लाड़ लड़ाई हुई। चलो, रेरे वायस अरे ओ कौवे, कर्कश कंठ कर्कश आवाज मत कर, कर्ण कठोरम कान को अप्रिय लगे ऐसी, मारट ऐसी आवाज़ मत कर। श्रांता यानी थकी हुई, कलांता यानी मुरझाई हुई, पुनर्नुनिता फिर से लाड़ की हुई, पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। वापस एक बार अनुवाद कर देती हूँ। अरे ओ कौवे, कर्कश आवाज़ में कान को अप्रिय लगे ऐसी आवाज़ मत कर। थकी हुई, मुरझाई हुई, फिर से लाड़की हुई, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। आया समझ में? चलो अभी दूसरे पैराग्राफ में किसकी बात आई, बिल्ले की। बिल्ला एक जो बिल्ली है वो क्या करती है, बिना मतलब के आवाज़ कर रही है। तो उसे क्या बताया गया है, देखो के म्याव म्याव माँ करु घोर बिरावम, चल चल रे खल चोर बिड़ाल के, रे खल चोर बिड़ाल, अरे ओ दुष्ट बिल्ली, अरे ओ चोर बिल्ली, घोर बिरावम जोर जोर से म्याव म्याव माँ करो, म्याव म्याव मत करो, के रे खल चोर बिड़ाल के, अरे ओ चोर बिल्ली,
घोर विरावम मोटे आवाज से म्याव म्याव मा करो, म्याव म्याव मत कर, चल चल रे के चला जा तू चले जा, के अरे ओ चोर बिल्ली, देखो बिल्ली को यहाँ पे चोर बना दिया, देखो रे खल चोर बिड़ाल के अरे ओ चोर बिल्ली, घोर विरावम मोटी आवाज में म्याव म्याव मा करो, के म्याव म्याव मत कर, चल चल तू चले जा चले जा। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, स्निग्धा के स्निग्धा का मतलब क्या होगा, स्निग्धा का मतलब होगा के कोमल, स्निग्धा का मतलब क्या होगा कोमल, मुग्धा यानी उसका भी अर्थ होगा कोमल, स्निग्धा का मतलब क्या होगा कोमल और मुग्धा का मतलब भी क्या होगा कोमल। तो स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, के दूध पी हुई मेरी पुत्री सचमुच सो रही है, पुत्री ममा खलु निंद्राती, मेरी पुत्री सचमुच सो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने तीन पैराग्राफ आपको समझाए, तो ये तीन पैराग्राफ आपको वापस ध्यान से पढ़ने